हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, तो हमने अपनी हिंदी की क्लास में व्यंजन सीखने स्टार्ट किए थे। तो अपने कितने अक्षर सीखे थे? चार, क ख ग घ। नेक्स्ट है हमारा ड, क ख ग घ ड। ठीक है, तो ड कैसे लिखते हैं? ड, घर खाली। ठीक है, अब ड लिखना कैसे है? आपने स्वर में जब ई से इमली लिखा था, सेम उसी तरह ही है। देखो इसमें क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन और ये कर्व बनाने हैं, हेड पे कैप। और जब हम सेकंड कर्व बनाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे एक बिंदी, ये है ड। क्या है ये ड? देखो बेटा, स्टैंडिंग लाइन, सीधा सी, उल्टा सी, हेड पे कैप। और जहां से हम उल्टा सी यानी कि सेकंड कर्व स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं पे उसी के पास में लगेगी एक छोटी सी बिंदी, ये है हमारा ड। क्या है ये हमारा ड? ई से इमली लिखा था ना हमने, ई से इमली में हम लोग टेल निकालते थे, बस इसमें टेल नहीं निकालनी है, सीधा ही लिखना है ड। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, सीधा सी, उल्टा सी, हेड पे कैप और यहाँ पे बनाएंगे हम बिंदी ड। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, सीधा सी, उल्टा सी, हेड पे कैप और यहाँ पे बिंदी ड। क्या लिख रहे हैं हम लोग? ड, क ख ग घ हम पहले सीख चुके हैं। ये चल रहा है हमारा व्यंजन की पहली लाइन का लास्ट अक्षर, क ख ग घ। ठीक है, तो एक बार हम इनको साथ में लिखेंगे। देखो स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, अब इस लाइन के मिड से जहां से कर्व बनाना स्टार्ट करेंगे वहीं पे कर्व को खत्म करेंगे, अनदर साइड में अगेन कर्व स्टार्ट करेंगे, बट इसको स्टैंडिंग लाइन से टच नहीं करना है, पहले ही स्टॉप कर देना है। और हेड पे लगेगी इसके कैप। क्या लिखा है ये हमने? क। नेक्स्ट है ख। ख के लिए स्मॉल कर, स्लैंटिंग लाइन, अप स्लैंटिंग लाइन। और जो ये हमने अप स्लैंटिंग लाइन बनाई है, इसी से टच करते हुए हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, और इस स्टैंडिंग लाइन पे बॉल। ख क ख ग के लिए स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, कर अ बिग स्टैंडिंग लाइन, ग क ख ग। घ के लिए कर अगेन, कर सेकंड कर के टेल ऊपर तक, स्टैंडिंग लाइन, हेड पे कैप, घ क ख ग घ। और जो ये हमने सीखा है अभी, ड ड। इसी के साथ हमारे व्यंजन की फर्स्ट लाइन कंप्लीट होती है ना? अब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे। देखो क ख ग घ ड, क ख ग
घड़, अगेन क ख ग घ ड, ठीक है। आप ये वर्क अपनी नोटबुक में एकदम नीट एंड क्लीन करिएगा और मुझे सेंड करिएगा। बाय।